एवरीवन, दिस भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, बहुत इजी होती हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ये उससे भी इजी है। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं हंगेरियन मेथड। सिर्फ कहने के लिए नहीं, लिटरली बहुत ईजी है, ये बहुत से समझ आएंगी। प्रॉब्लम वर्ड से डर लगता है, मैम इसके क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं होंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सुपर ईजी है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और क्लास अच्छी लगे तो एंड में लाइक करके जरूर जाना। स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चंस करें, सब क्वेश्चंस समझेंगे। आज की क्लास में दो क्वेश्चंस करेंगे, दोनों में कुछ डिफरेंट है, अच्छे से चीजें समझ आएंगी। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के अगर आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझना है, जितने क्लासेस आएंगे अच्छे से समझना है, तो ये वाली क्लास बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। इसमें जो आज हम मेथड सीखने वाले हैं, बेसिक करने वाले हैं, वो आने वाली दो तीन क्लासेस में वही चलता रहेगा, बस थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। तो आज की क्लास का कंसेप्ट अच्छे से माइंड लगा के यही अच्छे से समझना, ठीक है? आते हैं क्वेश्चंस पे, दो क्वेश्चंस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से चीज समझ आएंगी। पहले देखें असाइनमेंट प्रॉब्लम होती क्या है। असाइनमेंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको कुछ काम कुछ लोगों को देना है। वो कुछ काम है क्या? मान लो आपके पास चार लोग हैं, ठीक है, चार जॉब्स हैं, ठीक है, किसको कौन सी जॉब दो, कौन सा कौन काम अच्छा करता है, कितने कम पैसे लगते हैं, कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो जाए। मेरी कंपनी में चार सीट्स खाली हैं, मुझे इन चारों को काम देना है, मैं कैसे काम दूं कि जो मेरी कॉस्ट है, जो सैलरी है, मुझे कम देनी पड़े। ये इस जॉब के इतने पैसे लेता है, ये इस जॉब के इतने पैसे लेता है, मान लो 50 लेता है, इस जॉब के 100 लेता है, इस जॉब के 150 लेता है, इस जॉब के 200 लेता है, तो मैं इस पर्सन को कौन सी जॉब दूं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, कि मेरे जो टोटल कॉस्ट बने ना इनको सबको जॉब देने के बाद बहुत कम बने। इसको असाइनमेंट प्रॉब्लम बोलते हैं, कि कुछ काम कुछ लोगों को देना सो दैट हमारा खर्चा बहुत कम हो जाए, कि हम टोटल सबको दे भी दे काम और मिनिमम पैसों पे हम उनसे काम करवाने, दैट इज असाइनमेंट प्रॉब्लम, कामों को असाइन करना। जैसे लोगों को हम काम असाइन कर रहे हैं, वैसे क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि आपके पास चार काम है, ए बी सी डी, ठीक है, और चार मशीन्स हैं, M1 M2 M3 M4, तो फर्स्ट मशीन पहले, फर्स्ट वाला काम फर्स्ट मशीन पे 10 मिनट लेती है, सेकंड वाला काम यही वाला काम सेकंड मशीन पे 5 मिनट लेती है, यहाँ पे 3 मिनट लेती है, यहाँ पे 15 मिनट लेती है, ऐसे सबका आपको डाटा दिया होगा कि बी वाला काम फर्स्ट मशीन पे 5 मिनट लेता है, यहाँ 15 लेता है, 25 लेता है, ये सारा आपको टेबल बना हुआ मिलेगा। तो आपको ऐसा कुछ करना है कि फर्स्ट काम कौन सी मशीन से कराऊं, कि टोटल सारा काम कराने के बाद इन मशीन से मेरा मिनिमम टाइम लगे। क्या लगे? मिनिमम टाइम। ए कौन सी मशीन से काम कराए, M1 M2 M3 M4, बी कौन सी मशीन से काम कराए, सी कौन सी मशीन से काम करवाए, डी कौन सी मशीन से काम करवाए, ये हम सब इनको निकाल के देंगे सो दैट मिनिमम टाइम लगे। लोगों को काम असाइन कर रहे हैं तो मिनिमम कॉस्ट लगनी चाहिए, कोई चीजों को मशीन को असाइन कर रहे हैं कि कौन सा काम कौन सी मशीन करे, मिनिमम टाइम लगना चाहिए। जो भी डाटा हमें दिया होगा उसे हमें मिनिमम करना है, इनको वो काम वो चीज असाइन करके, इसको बोला जाता है असाइनमेंट प्रॉब्लम, कि लोगों को काम असाइन करके कम पैसों में काम करवाओ, ये चीजों को मशीन ऐसे असाइन करके कि कम टाइम में काम करवाएं, ऐसे आपको टेबल्स दिए होंगे। यहाँ चार चीजें यहाँ लिखी होंगी, यहाँ पे कुछ मेंशन होगा, वो टाइम कितना ले रहे हैं, वो पैसे कितने ले रहे हैं, वो यहाँ पे मेंशन होगा, और आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। क्लियर है? चीज बहुत सिंपल है, बहुत इजीली आप चीजें कर लोगे। एक चीज और, ये हमेशा ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे चार मशीन्स हैं, मतलब चार काम है तो यहाँ चार ही मशीन्स होंगी, ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है यहाँ पे चार काम हो, यहाँ तीन मशीन्स हो सकता है यहाँ पे जितने हैं यहाँ पे उतने ना हो, तो दोनों केसेस पॉसिबल है कि जितने यहाँ पे वैल्यूज हैं उतनी यहाँ हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। सिंपल वर्ड्स में बोलूं, जितनी रोज ये हैं हो सकता है उतने कॉलम हो या ना हो, इट डिपेंड्स, ये हर क्वेश्चन में हम चेक कर रहे होंगे। ये चीज क्लियर है? असाइनमेंट प्रॉब्लम क्लियर आ गई कि हम किसी को कोई असाइन कर रहे हैं काम, लोगों को जॉब्स हो सकता है, कौन सा काम कौन सी मशीन पे करना है, इट टोटली डिपेंड्स कि किस टाइप का क्वेश्चन, किस टाइप की हमें स्टेटमेंट दी है, हमें मिनिमम करनी है चीजें। मैक्सिमम वाले केसेस भी आएंगे, वो तो हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम पैसे बचा रहे होंगे, यहाँ पे हम टाइम बचा रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे। आज हम हंगेरियन मेथड के अंदर
मिनिमम करना सीखेंगे। जैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन मिनिमम मैक्सिमम दोनों सीखा था ना, ऐसा आज असाइनमेंट प्रॉब्लम में मिनिमम करना सीखेंगे हंगेरियन मेथड के अंदर। बहुत इजी चीज है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ध्यान से चीजें समझना। अब क्वेश्चन दिया कैसे होता है, ये रहा एक टेबल, यहाँ पे काम है चार, ए बी सी डी, चार काम है और जॉब्स 1 2 3 4, कि ये ए वाला काम फर्स्ट वाले को मिलेगा, सेकंड वाले को मिलेगा कि थर्ड वाले को मिलेगा कि फोर्थ वाले। यहाँ डाटा दिया हुआ है, चाहे चार्जेस की फॉर्म में, कॉस्ट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, ये हमें डाटा दिया हुआ है, हमें इसे मिनिमम करना है। ये मिनिमम केस लिखा हुआ है, हमें इसमें क्या करना है, मिनिमम करना है। कुछ तो आपको प्रैक्टिकल पूरे पूरे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दिए होते हैं तो वहां पर आपको देख के समझ आ जाता है, लेकिन जब आप पहले पहले क्वेश्चन करना सीखते हो तो मैं पहले आपके लिए टेबल्स ही लाती हूं ताकि आपको चीजें पहले एक बार सॉल्व करना आ जाए, फिर आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस की, कोई भी प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चन दे देगी, कंप्यूटर्स हैं इतने, किस कंप्यूटर से कौन सा काम करवाएं, वैसे वाले क्वेश्चंस भी आगे लाऊंगी, पर स्टार्टिंग में हम टेबल देके चीजें समझे और क्वेश्चंस करें, फिर प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो ये मिनिमम वाला केस है जिसमें आपके पास चार काम है ए बी सी डी और चार लोगों को दिया जा सकता है 1 2 3 4, किसको दें कि हमारा मिनिमम कॉस्ट निकले, किसको दें कि हमारा मिनिमम कॉस्ट निकले। ये ए वाला काम है फर्स्ट को दूं, सेकंड को दूं, थर्ड को दूं या फोर्थ को दूं, ये पूरा हम अभी मेथड करके चीजें सीखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चेक करते हैं कि ये बैलेंस्ड है या नहीं है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले चेक करते थे कि टेबल बैलेंस्ड है या नहीं, वो चेक कर लेते। इसमें कितनी रोज है, 1 2 3 4, रोज मेरी कितनी है, 4 है। कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, कॉलम मेरे कितने हैं, 4 है। जितने रोज हैं उतने कॉलम्स हैं, तो ये मेरी बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम है। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, मतलब काम भी उतना, लेने वाले भी उतने, इसको क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। जब मैं आपसे डिस्कस कर रही थी क्वेश्चन, जब मैं आपको समझा रही थी यहाँ पे असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है, तो मैं आपको बोला था ये इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी इक्वल हो सकते। तो जहां पे ये इक्वल होते हैं कि रोज भी इतनी है, कॉलम्स भी इतने हैं, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। अगर बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है तो हम ये एज इट इज टेबल अपना सॉल्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं लाना। तो आपको चेक करना होता है कि बैलेंस्ड है या नहीं है। सो ये क्वेश्चंस बैलेंस्ड वाला है तो हम इसमें टेबल में कोई चेंज नहीं लाएंगे। आज की क्लास में हम बैलेंस्ड ही सीख रहे हैं, अनबैलेंस्ड नहीं, तो आज बैलेंस के क्वेश्चन सीखेंगे, ठीक है। सो ये बैलेंस्ड है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, सुपर इजी सॉल्यूशन है, बहुत अच्छी चीजें समझ आएंगी। आपने अपना पेन नोटबुक लेके आओ और पहले चीजें समझना, फिर मेरे साथ क्वेश्चन करना। आज साथ साथ क्वेश्चन नहीं करना, पहले चीजें समझनी है। सेकंड चीज, सिर्फ दो ही स्टेप्स हैं आपके पास असाइनमेंट प्रॉब्लम में, डिफिकल्ट चीजें बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर वन क्या है, ध्यान समझना, रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन। पहले नोट नहीं करना, क्लास में आराम से पहले चीजें समझो। रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन स्टेप नंबर वन ये है। मैं नोट करने का टाइम दूंगी, सो डोंट वरी, पहले चीजें ध्यान समझो। स्टेप नंबर वन इज, बाद में मत सोचना मैं बाद में चीजें माइंड में रख लूंगा, क्लास में ही चीजें माइंड में बैठ जाएंगी अगर ध्यान से चीजें मेरे साथ समझोगे और बोलोगे भी। स्टेप नंबर वन इज रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन। इस टेबल में रो की रिडक्शन करनी है एंड कॉलम की रिडक्शन करनी है, सुपर इजी है। पहले रो रिडक्शन करते हैं, पहले क्या करते हैं, रो रिडक्शन। ये टेबल क्वेश्चन वाला है, अब इसमें हम रो रिडक्शन करेंगे, कर लेते हैं। हम टेबल दोबारा बनाएंगे, मेरे साथ साथ नोट नहीं करना, पहले चीजें समझ लो। यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बस ए बी सी डी और 1 2 3 4 पहले लिख। रो रिडक्शन में क्या करते हैं, रो में जो सबसे छोटा नंबर है उसको ढूंढो। सबसे छोटा नंबर कौन है, 10 है। 10 को बाकी सब में से माइनस कर दो, 10 माइनस 10 0, 12 में से 10 गए दैट विल बी 2, यहां 9, 11 में से 10 गए 1। यहां पे आपने सारे आंसर्स लिख दिए, कैसे, रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको बाकी एलिमेंट्स में से माइनस करके। आगे देखो, यहां सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 5 है, तो सबको 5, सब में से 5 माइनस कर दो, तो 5 माइनस 5 0, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 5 गए 3, सब में से 5 माइनस करना है।
ठीक है। अब थर्ड रो में भी ऐसे देखो, थर्ड रो में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, मुझे तो 11 मिला, आपको भी। सब में से 11 को माइनस करो, 12 माइनस 11 1, 14 में से 11 गए दैट विल बी 3, 13 में से 11 गए 2, 11 माइनस 11 0। नेक्स्ट रो में भी सबसे छोटा एलिमेंट दैट इज 8, 8 माइनस 8 0, 15 में से 8 गए दैट विल बी 7, 11 में से 8 गए दैट विल बी कितना हो जाएगा 3, 9 में से 8 गए 1। तो रो रिडक्शन में क्या करते हैं, हर रो में से सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढो और बाकी सब में से वो छोटा एलिमेंट माइनस करो। यहां कभी नेगेटिव आंसर्स नहीं आएंगे जब आप रो रिडक्शन कर रहे होगे, क्योंकि सब में से छोटा माइनस कर रहे हो ना, आएगा नहीं नेगेटिव आंसर। तो स्टेप 1 में रो रिडक्शन ऐसे करते हैं। सेकंड क्या है, कॉलम रिडक्शन। स्टेप 1 में ही आपको क्या करनी है, कॉलम रिडक्शन। फिर से एक टेबल बनेगा ए बी सी डी दैट विल बी 1 2 3 4, रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन हम कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखो, रो रिडक्शन में रो देखी थी, कॉलम रिडक्शन में कॉलम देखेंगे। ये फर्स्ट कॉलम है, हां जी है, सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, जीरो ही है। सब में से जीरो माइनस करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो फर्स्ट कॉलम 0 0 1 0 ही बन गया। फर्स्ट कॉलम क्या बन गया, 0 0 1 0, क्योंकि उसमें जीरो सबसे छोटा एलिमेंट है ना, वो फर्क नहीं पड़ने देगा, तो 0 0 1 0 ही फर्स्ट यहां बन गया। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 2। सब में से 2 माइनस करो, यहां पे 0 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा और यहां पे 5 आ जाएगा। कॉलम रिडक्शन में भी कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट देखो और बाकी सारे एलिमेंट्स में से उसको माइनस कर दो, सुपर इजी। नेक्स्ट देखो, इसमें सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 2। 9 में से 2 गए 7, यहां पे 0, यहां पे 0, 9 में से 3 गए 6 आ गया। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज वो कॉलम आ जाएगा, क्योंकि 0 सबसे छोटा एलिमेंट है, सारी एलिमेंट में से 0 माइनस करूंगी सेम बन जाएगा। तो स्टेप नंबर 1 डन, दिस इज द रो रिडक्शन एंड दिस इज द कॉलम रिडक्शन। स्टेप 1 में 2 टेबल बनते हैं। अभी तक मैंने एक टेबल नोट किया क्वेश्चन वाला, फिर उसके बाद 2 टेबल बने, एक रो रिडक्शन का एक कॉलम रिडक्शन का। यहां ये गलती मत करना, जब हम रो रिडक्शन करते हैं वो क्वेश्चन वाले हमने टेबल का किया, लेकिन जब हम कॉलम रिडक्शन करते हैं वो इस रो रिडक्शन वाले का ही टेबल वाले का ही कॉलम रिडक्शन करते हैं, क्वेश्चन वाले का नहीं करते। बात समझ आई, रो रिडक्शन किसका किया, क्वेश्चन वाले टेबल का। कॉलम रिडक्शन किसका किया, जो रो रिडक्शन का करके आंसर आया, ये मेरा कॉलम रिडक्शन के बाद फाइनल टेबल बन गया। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे नहीं कि सामने सामने बनाना है, फर्स्ट टेबल क्वेश्चन वाला, सेकंड टेबल रो रिडक्शन, थर्ड टेबल कॉलम रिडक्शन। यहां तक क्लियर है चीजें, पक्का देख लो। स्टेप नंबर 1 क्या है, रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन, पहले रो ही करना है, आर पहले आने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर 2। ये हमारा जो कॉलम रिडक्शन का आंसर आया है 0 0 1 0 0 3 1 5, ये वही सारे आंसर्स है, वही टेबल है लास्ट वाला, दोबारा नहीं बनाना, ठीक है। अभी तक कितने टेबल बने, 3। अब यहां वीडियो पॉज करो, पहले फटाफट से क्वेश्चन नोट करो और रो और कॉलम रिडक्शन बनाओ, फिर अगले स्टेप पे मेरे साथ चलना, पहले यहां तक खुद कर लो फिर सेकंड स्टेप पे आ जाओ। चलते हैं आप सेकेंड स्टेप पे, ये कॉलम रिडक्शन वाला हमारा टेबल है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, असाइनमेंट्स। क्या होता है सेकेंड स्टेप, दैट इज असाइनमेंट। असाइन करेंगे काम, किसको कौन सा काम दे। अब इसमें मैथमेटिकली काम असाइन करने का मेथड क्या है, बहुत ध्यान से समझना। अब कॉपी पेन साइड पर रख के सिर्फ यही, कहीं पे भी माइंड है किसी के बारे में सोच रहे हो, कॉलेज में क्या हुआ, एग्जाम है, टेंशन छोड़ के पहले यहां आ जाओ, ये क्वेश्चन पेपर में आने ठीक हो जाएगा, पहले ध्यान से यहां चीजें समझो। यहां पे असाइनमेंट कैसे करते हैं, असाइन करने के रूल है, किसी को कोई काम देना उसके रूल्स है, क्या है, कहते पहले रो चेक करो, रो में एक सिंगल जीरो होने चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, रो स्कैनिंग करेंगे। असाइनमेंट करने का मेथड समझ लो, बहुत इजी है। क्या करेंगे, रो स्कैनिंग। इसमें असाइनमेंट और उनमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बस चीजें माइंड में रखनी है। रो स्कैनिंग करते हैं, ऐसी रो ढूंढो जिसमें एक सिंगल जीरो, इसमें दो जीरो है, ये हमारे काम की नहीं है, इसमें भी दो जीरो है,
ये हमारे काम की नहीं है। इसमें भी दो जीरो है, ये हमारे काम की नहीं है। इसमें सिंगल जीरो है, ये हमारे काम की है। इसमें हम क्या करेंगे, दैट इज ऐसे हम बॉक्स बना देंगे। क्या बना देंगे, ऐसे बॉक्स बना देंगे जिसमें सिंगल जीरो है। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ध्यान समझना। आपने तीन टेबल बना लिए ना, ठीक है, स्टेप टू में आके ये दोबारा बना लेना, ये वाला टेबल दोबारा बना लेना जिसमें हम असाइनमेंट करने वाले हैं। स्टेप टू में क्या करेंगे, असाइनमेंट, ये टेबल दोबारा बना लेना। ये वही टेबल है कॉलम रिडक्शन वाला, असाइनमेंट के लिए टेबल दोबारा बना लेना। टेबल बनाने के बाद रो स्कैनिंग स्टार्ट करो कि कौन से वाली रो में एक जीरो है। एक जीरो वाली रो को ही हम पकड़ सकते हैं, अगर एक से ज्यादा जीरो वाली रो है उसको छोड़ दो। लास्ट वाली रो में एक जीरो थी, मैंने पकड़ लिया, यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना दिया। बॉक्स बना दो, ऐसे मार्क कर दो, कुछ भी कर सकते हो, मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है। जिस रो में जीरो को एक बॉक्स बनाया है उसके कॉलम में बाकी जीरो को क्रॉस कर दो। बहुत ध्यान से चीज समझना, रो चेक करी किसमें एक जीरो है, वो ये है। हम क्या कर रहे हैं, असाइनमेंट कर रहे हैं। काम कैसे साइन करते हैं, उसका मेथड क्या है। ये नहीं थी वो रो जिसमें एक जीरो है, जहां हमने जीरो पे एक बार बॉक्स बना दिया उसके कॉलम में बाकी जीरो को क्रॉस कर दो। हमारे पास दो साइन चलते हैं असाइनमेंट करते हुए, एक ये वाला एक ये वाला, इन्हीं से ही हमने गेम खेलनी, ठीक है। तो कर दिया मैंने यहाँ पे काम, अब कोई और रो पे बात नहीं है, सारी रो हमने स्कैन कर ली। अब कॉलम स्कैनिंग करेंगे। रो स्कैनिंग में वो रो ढूंढ ली जिसमें सिंगल जीरो थी, सिंगल जीरो को मार्क करके उसके कॉलम में क्रॉस लगाना है। रो स्कैनिंग में क्रॉस कॉलम पे लगता है, बॉक्स रो में होगा, ठीक है। इसके बाद रो स्कैनिंग के बाद क्या करेंगे, कॉलम स्कैनिंग। ये बेस्ट फ्रेंड्स है इस मेथड में, रोज कॉलम। अगर रोज जो काम करेगी कॉलम फटाफट साथ चलेगा। तूने करे है रिडक्शन, मैं भी करूंगा। तूने स्कैनिंग करी है, रो को कहता है, कॉलम कहता है, मैं भी करूंगा। अब कॉलम स्कैनिंग होगी। फर्स्ट कॉलम में ऐसा कोई एक जीरो होना चाहिए, ना उस पे क्रॉस हो ना उस पे यहां बॉक्स हो। फर्स्ट में कोई नहीं है जिस पे क्रॉस या जीरो ना हो, ओके है। सेकंड पे आ जाओ, एक जीरो वाला मिल गया। जैसे रो में एक जीरो वाली रो ढूंढ रहे थे, कॉलम में भी एक जीरो वाली रो ढूंढेंगे। ये लो मिल गई एक जीरो वाली रो, इसको बॉक्स में डाल दो। जब हम कॉलम स्कैनिंग कर रहे हैं तो कॉलम में एक सिंगल जीरो वाला कॉलम ढूंढेंगे। कॉलम में ढूंढ लिया, अगर कॉलम में ढूंढा है तो क्रॉस रो में लगेगा। अगर कॉलम में बॉक्स लगाया है तो क्रॉस रो में देखो किस पे लगाए। यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा जीरो नहीं बचे जिसे क्रॉस चाहिए, तो खत्म हो गए, यहाँ पे क्रॉस किसी पे नहीं आएगा। नेक्स्ट कॉलम की स्कैनिंग करो, इसमें दो जीरो है, कुछ नहीं करना। नेक्स्ट कॉलम की स्कैनिंग करो, इसमें कितनी जीरो है, एक जीरो है, तो हम इसे बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर इस कॉलम को बॉक्स में डाला है, इसकी रो में जितनी जीरो होंगे उसको क्रॉस कर देंगे, या हमने क्रॉस कर दिया। बहुत ध्यान से चीजें समझना, ये स्टेप इजी है अगर आराम से चीजें समझोगे, ठीक है। मैं इसको एक बार और समझाऊंगी, पर पहले कंप्लीट करने दो। मैंने रो भी स्कैन कर ली, चारों कॉलम भी स्कैन कर लिए। स्कैनिंग के बाद कोई भी जीरो ऐसी ना बचे जिसके पास या तो स्क्वायर होना चाहिए या क्रॉस होना चाहिए। अगर कोई ऐसी जीरो बच रही है कि इसके पास स्क्वायर भी नहीं है, इसके पास क्रॉस भी नहीं है, स्कैनिंग दोबारा शुरू होगी। एक जीरो बच रही है, ना इसके पास स्क्वायर है ना इसके पास क्रॉस है, तो स्कैनिंग दोबारा शुरू करेंगे। कॉलम स्कैनिंग होगी, अब दोबारा से रो स्कैनिंग शुरू करते हैं। इसमें ओके है, सब जीरो को सब कुछ मिल चुका है। इसमें आ जाओ, अब इसमें देखो क्रॉस लग चुका है ना, इसमें अब सिंगल जीरो बची है ये वाली, तो इस सिंगल जीरो पे बॉक्स लगा दो। बॉक्स उसी पे लगता है अगर वो उस रो या कॉलम की सिंगल जीरो है। इस रो में ये जीरो तो क्रॉस हो चुकी है, इसकी सिंगल जीरो है, इसको बॉक्स लगा दो। जब बॉक्स लगता है, मान लो रो के कारण बॉक्स लगा है, तो उसी का कॉलम चेक करना होता है कि वहां कोई जीरो है तो उसे क्रॉस कर दो। यहां कोई एक्स्ट्रा जीरो नहीं जिसको क्रॉस करें, तो यहां पे हर जीरो के पास या तो क्रॉस है या बॉक्स है। इट मींस हमने असाइनमेंट कर दी। बताओ कोई दिक्कत है तो देख लो, अच्छी चीज समझ आ रही है। अब ध्यान से चीजें समझो, करना क्या होता है रो स्कैनिंग के अंदर, रोज में जाते हैं, ठीक है। ऐसी रो पकड़ो, फर्स्ट रो या सेकंड रो, ऐसे एक एक करके चेक करो जिसमें सिंगल रो। उसमें मान लो कोई रो सिंगल जीरो, उस जीरो को आप ऐसे मार्क कर दो, ठीक है। मान लो रो चेक कर रहे थे, इसमें आगे सिंगल जीरो आगे मार्क कर दी। जैसे आपने यहां मार्क किया, इसके कॉलम चेक कर लो, वहां पे अगर कोई जीरो तो उसको क्रॉस कर दो। बस थर्ड रो चेक करो, अगर वहां आपको सिंगल जीरो कहीं मिल रही है, मार्क कर दो। और उसी के कॉलम में, जैसे मान लो यहां मार्क किया होता, उसी के कॉलम में कोई जीरो है तो उसको क्रॉस कर दो। ऐसे फोर्थ चेक कर लो, ठीक है। अगर एक बार किसी पे क्रॉस लग गया, जैसे यहां पे हम चेक कर रहे हैं,
तो ये यहाँ पे अब सिंगल काउंट होगी। जब हम दोबारा एक बार टूर करके आए, पहले रो स्कैनिंग कर ली, ठीक है, पहले हमने रो स्कैनिंग कर ली जैसे, फिर हमें देखा कि अभी भी कुछ जीरोस बची हैं, कॉलम स्कैनिंग पे जाएंगे, ये हमें एलिमेंट मिला था। अगर ये एलिमेंट कॉलम स्कैनिंग में हमने पकड़ा है अकेला, तो इसकी रो में कोई भी एक्स्ट्रा जीरो उसको क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। रो स्कैनिंग करते हुए जिस रो के जीरो को मार्क किया उसके कॉलम में बाकी जीरो को कैंसिल करना है, कॉलम स्कैनिंग करते हुए जिस कॉलम को मार्क किया है बाकी रो के कैंसिल करना है। रो कॉलम एक बार करने के बाद अगर अभी भी कोई जीरो ऐसे बच रही है जिसपे ना क्रॉस है ना बॉक्स है, तो आप दोबारा से स्कैनिंग शुरू करोगे, रो से स्टार्ट होगे दोबारा से, जैसे मैंने इसमें किया। अब इसमें ये तो जीरो कैंसिल हो चुका था, एक ही जीरो बची थी, तो सिंगल जीरो देके मैंने बॉक्स लगाया, इसके कॉलम में कोई भी जीरो नहीं जिसको क्रॉस करूं, तो यहीं पे प्रोसीजर रुक गया, कोई भी जीरो इस पे एक्स्ट्रा नहीं बची कि हम उस पे क्रॉस या बॉक्स ना देख पाए। तो स्कैनिंग तब तक चलती रहती है कि हर जीरो के पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब हर जीरो को कुछ ना कुछ मिल गया, क्लियर है चीज। दिस इज, ये क्या है स्टेप, असाइनमेंट कर रहे हैं, रो स्कैनिंग कॉलम स्कैनिंग, क्लियर है यहाँ पे। चले आगे, अभी स्टेप खत्म नहीं हुआ। स्टेप टू में जब आप असाइनमेंट कर देते हैं तब आप चेक करते हैं कितने बॉक्सेस बने हैं, ध्यान से कितने बॉक्सेस हैं, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी हुई है, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स बॉक्सेस देखो कितने हैं, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हैं 4, है ना, और रोज कितनी थी, नंबर ऑफ रोज कितनी थी 4, इट मींस ये दोनों सेम है, बॉक्सेस जितने आए हैं उतने ही रोज है, इसका मतलब ये ऑप्टिमल असाइनमेंट्स है, इसका मतलब इससे बेस्ट असाइनमेंट्स हम नहीं ढूंढ सकते, ये बेस्ट असाइनमेंट्स हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर एक पर्सन को एक ही काम मिल सकता है, एक से ज्यादा नहीं मिल सकता, ये नहीं कि वो पर्सन वो भी जॉब कर रहा है वो भी जॉब कर रहा, नहीं, एक पर्सन को एक ही काम मिल सकता है, कॉस्ट भी कम करनी, सारी चीजों को कंबाइन करके मैथमेटिकली टेबल तैयार हुआ है। अगर ये बॉक्सेस इक्वल है हमारे नंबर ऑफ रोज के तो वो क्या है, ऑप्टिमल असाइनमेंट्स है, इससे बेस्ट हमें कॉम्बिनेशन या बेस्ट तरीका नहीं मिल सकता कॉस्ट को रिड्यूस करने का, ये ऑप्टिमल असाइनमेंट्स हमें मिलगी, ठीक है, ये हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट्स मिलगी। अब क्या करेंगे, बस जैसे ही ऑप्टिमल असाइनमेंट्स मिली हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। देखो स्टेप नंबर 1 क्या था, रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन, स्टेप नंबर 2 में असाइनमेंट्स करी, अगर ये असाइनमेंट्स ऑप्टिमल हो जाती है कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ असाइनमेंट की इक्वल आ जाती है, वो नंबर ऑफ बॉक्सेस की इक्वल आ जाती है, बस फिर तो सॉल्यूशन निकालना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। वो कैसे निकलेगा, ध्यान से समझना, यहां पे ना टेबल बनाओगे, ठीक है, बना लेते हैं, बहुत इजी सा टेबल है, ध्यान से समझना। यहां मैंने टेबल क्या बनाया, देखो ध्यान से, मैंने लिखा ए, ठीक है, ए के सामने क्या, किसके नीचे जीरो है, टू के नीचे, तो आप ए यहां पे लिख दोगे टू, ठीक है, बी लिखोगे, बी का जीरो किसके नीचे है, थ्री के नीचे, तो यहां लिखोगे बी, यहां के लिखोगे थ्री, सी का किसके नीचे है, फोर के नीचे, तो यहां लिखोगे सी, यहां लिखोगे फोर, डी का किसके नीचे है, वन के नीचे है, दैट विल बी डी का क्या लिखोगे, वन। जो हम असाइनमेंट करते हैं, जो बॉक्स बनाते हैं उसकी बात कर रहे हो, तो सी का फोर के नीचे है, डी का वन के नीचे है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऐसे निकलता है इसका, ए बी सी डी लिखेंगे, यहां पे टू थ्री फोर वन लिखेंगे, ये रहा इसका टेबल। ये लास्ट वाले कॉलम में क्या फिल करना है, यहां कॉस्ट फिल करनी है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन में यहां ए बी सी डी, ऊपर से जिससे जिस पे बॉक्सेस बने वो, यहां क्या नोट करनी है, कॉस्ट। वो कॉस्ट कहां से निकलेगी, अब ध्यान से चीजें समझना, ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन वही है, ये वर्क था हमारा ए बी सी डी, ये जॉब्स थी हमारी 2 3 4 1 जॉब्स थी ना, अब कॉस्ट कैसे निकलेगी, कॉस्ट निकलती है सबसे पहले वाले टेबल से, ये फर्स्ट टेबल है, वहां से कॉस्ट निकलती है। ए की जॉब क्या है, 2, ए का 2 के नीचे क्या प्राइस है, 12, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 12, बी का क्या है, 3, बी का 3 के नीचे क्या वैल्यू है, 7, तो यहां पे 7 लिख दिया, सी की वैल्यू क्या है, 4, सी का 4 के नीचे क्या है, 11, कॉस्ट 11 आ गई, डी का 1, डी का 1 के नीचे कितना है, 8, यहां पे कितनी आ गई, 8, ये कोई भी रिपीट नहीं है, यानी 2 3 4 1, अगर ए 2 काम कर रहा तो कोई और 2 काम नहीं करेगा, तो ये सबको डिफरेंट डिफरेंट मिल गया, और टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 38, दिस इज द फाइनल आंसर, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऐसे निकलते हैं। एक बार पता लग गया टेबल से कि ए के आगे इसका बॉक्स है, आपने ए 2 लिख दिया, इसके अकॉर्डिंग कॉस्ट आप कहां से निकालोगे, आपके इनिशियल टेबल से, क्वेश्चन वाले टेबल से, जो क्वेश्चन में टेबल दिया हुआ है उससे निकालोगे, जो बैलेंस्ड है हमारा,
क्लियर है चीज पक्का? देख लो कोई प्रॉब्लम है तो. दिस इज ऑल अबाउट असाइनमेंट प्रॉब्लम. अब सेकंड क्वेश्चन पे हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करोगे. जहां पे प्रॉब्लम है कि कैसे असाइन करना है, उस चीज को दोबारा देखो और करो, फिर सेकंड क्वेश्चन पे आना. यहाँ पे भी चीजें करेंगे. हर बार ऐसा नहीं होगा कि जितने आपने बॉक्सेस बनाए हैं उतने ही रोज हो. अभी तो हमें मिल गया ना ऑप्टिमल सॉल्यूशन के बारे में कि जितने बॉक्सेस थे, जितने असाइनमेंट्स उतनी रोज थी, फटाफट ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया. कई बार ऐसा हो सकता है नंबर ऑफ बॉक्सेस लेस होंगे इस नंबर ऑफ रोज से. फिर क्या करेंगे वो हम सेकंड क्वेश्चन में समझने वाले हैं, लेकिन पहले फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लो मेरे साथ सेकंड क्वेश्चन पे आने से पहले. यही पोज करके, डिफिकल्ट नहीं है लिटरली, एक बार आपने कर लेना अपने हाथ से, एक बार अपना माइंड चला लिया यहाँ पे, फिर आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम की जितनी क्लासेस आगे आने वाली है सुपर ईजी लगेंगे. ठीक है, पहले वो क्वेश्चन कंप्लीट करके आओ फटाफट से. जहां दिक्कत आ रही है समझ लो ना, आप तो कितनी बार भी वो रिपीट करवा सकते हो मेरे से, है ना, कितनी बार मर्जी सुन सकते हो. पहले वो कंप्लीट करो फिर सेकंड क्वेश्चन पे आना. सो आई होप आपने फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लिया. अब सेकंड पे चलते हैं. फाइंड सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम यूजिंग हंगेरियन मेथड. मिनिमम वाला केस है और हमें यहाँ पे वर्क दिए हुए हैं, यहाँ पे जॉब्स दी हुई है. अब देखो, पहले सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, सॉल्यूशन पे आने से पहले, द फर्स्ट थिंग इज चेक करना ये बैलेंस्ड है या नहीं. नंबर ऑफ रोज 5, नंबर ऑफ कॉलम्स 5. यहाँ पे ये क्या है, बैलेंस्ड. क्योंकि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होते हैं तो वो असाइनमेंट प्रॉब्लम बैलेंस होते. देखो 5 है ना, ये देखो ये क्या है, रोज है ना, और कॉलम कैसे हैं, 1, 2, 3, 4, 5. तो रोज भी 5, कॉलम्स भी 5. तो दिस इज बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम. मतलब ये एज इट इज टेबल मैं यूज कर सकती हूँ अपने सोल्यूशन के लिए. तो स्टेप नंबर 1 पे चलते हैं सॉल्यूशन के. बिल्कुल, क्या था स्टेप नंबर 1? हाँ जी, कुछ ऐसा सही था. क्या था, रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन. आपको माइंड में चीजें बैठ जाएंगी क्योंकि हम तीन चार क्लासेस में यही करने वाले हैं, रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन. मेरे साथ साथ बोलो, क्लास में ही चीजें माइंड में बैठ जाएंगी. चलो ठीक है, रो रिडक्शन करते हैं. टेबल बनाते हैं ए बी सी डी ई. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे फोर्थ और यहाँ पे फिफ्थ. अब करते हैं रो रिडक्शन. फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट मुझे मिल रहा है 5, सब में से 5 माइनस कर दो, 5 आ जाएगा, 0 आ जाएगा. आगे है 16, 16 में से 5 गए, 11 आ जाएगा. नेक्स्ट में सबसे छोटा कौन है, 3, 3 माइनस 3, 0, 9 माइनस 3, 6, 18 में से 3 गए, दैट मीन 15, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3. दिस इज रो रिडक्शन. सारी रोज में, जैसे फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट उसको सब में से माइनस, सेकेंड रो में भी एज इट इज, थर्ड रो में सबसे छोटा कौन है, 2, 10 में से 2 गए, 8, 7 में से 2 गए, 5, बाकी 3, 0, क्योंकि वो खुद 2 ही है. सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 7, यहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ कितना बन जाएगा, 4, यहाँ 2, यहाँ 0, 12 में से 7 गए, दैट विल बी 5 आ जाएगा. नेक्स्ट देखो, सबसे छोटा एलिमेंट 4, यहाँ बचेगा 3, 9 में से 4 गए 5, 10 में से 4 गए 6, यहाँ पे 0 एंड 12 में से 4 गए 8. ये सारे हमने कर लिया रो रिडक्शन कर लिया. क्लियर है चीज, रो रिडक्शन में रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट है बाकी एलिमेंट्स में से उसको माइनस कर दो. चलिए फिर अगर नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉलम रिडक्शन. कॉलम रिडक्शन भी आती है हमें तो, बिल्कुल आती है, क्यों आती है ना, बिल्कुल. तो यही पे लिख देते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5. बाकी ए बी सी डी भी लिख देते हैं, दैट विल बी ए बी सी डी ई. पहला टेबल बनाना है क्वेश्चन वाला, सेकंड टेबल बनाना है रो रिडक्शन, थर्ड टेबल किसका बनाना है, कॉलम रिडक्शन का. अब क्या करोगे, कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 0, कॉलम में कोई चेंज नहीं आएगा. अगर सब में से 0 माइनस करोगे कोई चेंज नहीं आएगा, तो लिख देते हैं एज इट इज. लिख देते हैं क्या बनेगा, दैट विल बी 5, 0, 8, 0, 3. नेक्स्ट देखो, इसमें भी छोटा एलिमेंट 0 है तो इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, 0, 6, 5, 4, 5. थर्ड देखो, इसमें सबसे एलिमेंट छोटा कौन है, 0, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, आपको विजिबल हो जाएगा. थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. नेक्स्ट देखो, थर्ड में भी सेम रहेगा, 8, 15, 0, 2, 0. फोर्थ में भी सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 0, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, फोर्थ भी ऐसे नोट कर देंगे. फिफ्थ में भी सबसे छोटा कौन है, 0, फिफ्थ में भी कोई चेंज नहीं आया. रो रिडक्शन के बाद जब कॉलम रिडक्शन की, बाय चांस कोई भी चेंज नहीं आया क्योंकि हर कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट 0 था, सब में से 0 भी माइनस करें उस कॉलम में कोई चेंज नहीं आ रहा था, तो लिख देते हैं
के फोर्थ और फिफ्थ भी हम एज इट इज नोट कर देते हैं यहाँ पे 10, 10, 0, 0, 0, 11, 3, 0, 5, 8 मैंने एज इट इज नोट कर दिया. सो तीन टेबल बन गए, क्वेश्चन वाला टेबल, रो रिडक्शन एंड कॉलम रिडक्शन. बोलो स्टेप नंबर वन क्लियर है? पक्का. चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं स्टेप नंबर टू में. जब हम स्टेप नंबर टू करते हैं, ये टेबल आपने दोबारा बनाना है जो कॉलम रिडक्शन वाला था. फर्स्ट में मैं आपको कंसेप्ट समझा रही थी, अब साथ साथ लिखना भी चीजें सिखा रही हूं. पहले दो टेबल बन गए, रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन. फिर स्टेप नंबर टू में आके आपने दोबारा ये कॉलम रिडक्शन वाला टेबल बनाना है. ठीक है, स्टेप नंबर टू स्टार्ट करते. स्टेप नंबर टू क्या था? असाइनमेंट है ना, जो हमारा क्वेश्चन है, जिसके हम क्वेश्चन कर रहे हैं. अब क्या करेंगे? असाइनमेंट करेंगे, इनको काम देंगे. काम कैसे देंगे? रूल वही है कि पहले रो स्कैनिंग करेंगे. असाइनमेंट कैसे करते हैं? पहले रो स्कैनिंग करेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? कॉलम स्कैनिंग. बेस्ट फ्रेंड्स हैं इस मेथड में रो और कॉलम. जो काम रो करेगी वही काम कॉलम करेगा. अब रो में देखो, ऐसी रो ढूंढे जिसमें सिंगल जीरो हो. पहली रो में एक ही जीरो है, काम बन गया, इसको बॉक्स में डाला. अगर इसको बॉक्स में डाला है तो इसके कॉलम में चेक कर लो, क्या और कोई जीरो तो नहीं है? नहीं है भाई, नहीं है, सेफ है सब. अगर होता तो मैं क्रॉस लगा देती. फर्स्ट रो चेक होगी, सेकंड रो चेक करते हैं, क्या इसमें सिंगल जीरो है? हाँ जी सिंगल जीरो है, इसको क्या कर दो? मार्क कर दो. बाकी एलिमेंट अगर इसी कॉलम में कोई और जीरो है उसको क्रॉस कर दो. जिसमें आप बॉक्स बनाते हो ना, उसी कॉलम में कोई और जीरो है तो उसको क्रॉस कर दो. थर्ड रो स्कैन करते हैं, 8, 5, 0, 0, 0, 3 जीरोज है, काम नहीं बनेगा. फोर्थ रो स्कैन करते हैं, कितनी जीरो है? वैसे देखो 2 जीरोस थी लेकिन ये वाली क्रॉस लग चुकी है तो एक सिंगल जीरो ही बची, इसको मार्क कर लो. और जिसमें आपने जीरो मार्क की उसके कॉलम में क्रॉस लगा दो, क्योंकि हम रो स्कैनिंग कर रहे हैं ना. रो स्कैनिंग करते हैं तो कॉलम में मार्क लगता है ऐसे. ठीक है, आगे आ जाओ ई में. ई में सिंगल जीरो है? नहीं, कोई जीरो नहीं है. सो ये हमारी असाइनमेंट होगी. अब आपको मैम कॉलम स्कैनिंग करनी. हाँ जी, अभी तो रो स्कैनिंग हुई, अब क्या करेंगे? कॉलम स्कैनिंग. रो ने अपना काम कर दिया, अब कॉलम के पास चलते हैं. कॉलम में फर्स्ट में देखो, दोनों जीरो को कुछ ना कुछ मिला हुआ है, यहाँ पे भी एक जीरो को कुछ मिला हुआ है. नेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पे सिंगल जीरो है, इसको मार्क कर लो. जैसे ही कॉलम स्कैनिंग कर तो एक जीरो को मार्क किया, उसके रो में बाकी सारे जीरो पे क्रॉस लगा दो. कॉलम स्कैनिंग में क्रॉस रो पे लगता है तो ये क्रॉस लग गया. इसमें तो पहले था, इस पे लगा दिया, इसके अकॉर्डिंग यही थी ना हमारी रो. नेक्स्ट कॉलम स्कैनिंग, ये रही यहाँ नेक्स्ट कॉलम, कुछ नहीं जीरो मिला. क्या एक बार रो कॉलम स्कैनिंग करके सारे जीरो को या बॉक्स या क्रॉस मिल गया? देखो कोई भी जीरो बिना क्रॉस या बॉक्स के नहीं है. ठीक है, इट मींस अब आगे दोबारा रो स्कैनिंग करने की जरूरत नहीं है. अगर हमारे पास कुछ बचता जीरो तो कॉलम के बाद मैं फिर एक और राउंड रो का लगाती कि कोई जीरो ऐसी नहीं रहनी चाहिए जिसके पास ना बॉक्स हो ना क्रॉस हो. तो ये हो गया. ठीक है, नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है इसमें? जल्दी से बताओ, बॉक्सेस कितने हैं इसमें? 4 है. नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है? 4 है. और मेरे पास रो कितनी है? नंबर ऑफ रोस तो 5 है, ये इक्वल नहीं है तो नॉट ऑप्टिमल असाइनमेंट्स. क्या लिखेंगे? नॉट ऑप्टिमल असाइनमेंट्स, की ये ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं है. तो ऐसा भी केस आ सकता है कि जिसमें आपके पास ऑप्टिमल असाइनमेंट्स ना हो, उस केस में क्या करते हैं वो इस क्वेश्चन में हम समझेंगे. यहां तक क्लियर है? पक्का देख लो, कोई दिक्कत. चले आगे. आपने लिखा नॉट ऑप्टिमल असाइनमेंट्स, फिर यही वाला टेबल आप दोबारा बनाओगे, ये जो असाइनमेंट वाला टेबल है. अगर हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं मिलती तो यही टेबल आपको दोबारा बनाना है. वहां मेंशन कर देना एक बार, दीज आर नॉट ऑप्टिमल असाइनमेंट्स, क्योंकि नंबर ऑफ असाइनमेंट्स 4 है, मेरे पास रोज 5 है, दोनों इक्वल होने चाहिए. अगर इक्वल नहीं है तो ये नॉट ऑप्टिमल असाइनमेंट्स है. तो इसके बाद हम यही वाला टेबल दोबारा बनाएंगे, असाइनमेंट्स वाला. ठीक है, इसका मतलब इस टेबल में कुछ तो गड़बड़ है ना, कि इसने हमें ऑप्टिमल असाइनमेंट्स नहीं दी. तो इस टेबल को हम मॉडिफाइड करेंगे. क्या करेंगे? मॉडिफाइड. मॉडिफाइड करने का तरीका क्या है वो समझना. अब हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 3 इज फॉर मॉडिफाइड टेबल. अगर हमारे पास स्टेप वही ठीक हो जाता, वहीं से सॉल्यूशन आ जाता, लेकिन स्टेप नंबर 3 पे जाना पड़ रहा है. क्यों जाना पड़ रहा है? मॉडिफाइड टेबल के लिए, क्योंकि इसने ऑप्टिमल हमें नहीं दिया. बोलो कोई दिक्कत है तो? पक्का देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए.
नहीं है ना। चलो फिर आगे चलते हैं मॉडिफाइड टेबल पे। अब मॉडिफाइड टेबल कैसे बनेगा, अपना पेन कॉपी जो भी है ना साइड में रख दो, बिल्कुल साइड में, सिर्फ फोन को हाथ में ले लो और माइंड में कोई मैसेज, किसी के बारे में कोई बात, कॉलेज सिलेबस, सब साइड में रख के सिर्फ यहाँ ध्यान दो कि मॉडिफाइड टेबल कैसे बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ आ जाएगी। अगर ये ना समझ आए फिर दिक्कत है, इसलिए ध्यान से समझो, सारी चीजें साइड पे छोड़ दो। मॉडिफाइड टेबल के लिए इसमें हम क्या करते हैं, जो असाइनमेंट वाला टेबल है इसमें नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 रो और कॉलम्स की। वो कैसे, सबसे पहले वो रो ढूंढो जिसमें असाइनमेंट है ही नहीं, वो रो ढूंढो, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, सबसे पहले वो ढूंढो रो विद नो असाइनमेंट, सबसे पहले वो ढूंढो जिसके पास कोई भी असाइनमेंट नहीं है, वो मेरी ये फिफ्थ रो है, इसको मार्क करो फर्स्ट। जिसके पास कोई भी असाइनमेंट नहीं है उसको फर्स्ट मार्क कर दो, फर्स्ट मार्क कर दिया, ठीक है। सेकेंड किसको मार्क करो, उसी रो में आपके पास क्रॉस होगा, अगर असाइनमेंट नहीं है तो क्रॉस होगा, क्रॉस क्या लेगा आपको कॉलम देगा, आप इस कॉलम को 2 मार्क कर दो। आपको हमेशा जो भी असाइनमेंट से रिलेटेड बात करूंगी वो आपको एक रो नंबर देगी, चाहे मैं बात करूँ असाइनमेंट है या असाइनमेंट नहीं है। जैसे मैंने पूछा किस रो में असाइनमेंट नहीं है, आपने कहा फर्स्ट, ये लास्ट वाली में, तो इसको 1 नंबर दिया, इसी में क्रॉस ढूंढो, वो ये रहा, इसने क्या दे दिया कॉलम दे दिया, क्रॉस कॉलम देता है हमेशा, क्रॉस सी फॉर क्रॉस, सी फॉर कॉलम, ठीक है। चलो फिर इसने इस बात इस कॉलम पे हमें पहुंचा दी, मतलब इस कॉलम के बारे में बताया, इस कॉलम के बारे में चलन पता लगा ना, हम टनल्स में जाएंगे, इस कॉलम की टनल में गए, ठीक है। अब देखो, अब क्रॉस से बात शुरू हुई है ना, मैं यहाँ पे असाइनमेंट ढूंढूंगी, पहले असाइनमेंट की बात हुई थी, फिर क्रॉस की बात करी, अब नेक्स्ट बात किसकी करूंगी, इसमें असाइनमेंट की। इसी कॉलम में असाइनमेंट कहाँ है, ये है, असाइनमेंट हमेशा रो देती है, ये वाली है ना, ये मेरी थर्ड हो गई, मेरी बात ध्यान से समझो, जिसमें असाइनमेंट नहीं थी वो फर्स्ट, उसमें क्रॉस ढूंढा, उसने क्या दिया सेकंड कॉलम, आप थर्ड ढूंढना, इसी कॉलम में असाइनमेंट ढूंढो, वो ये है, असाइनमेंट रो देती है, दिस इज थर्ड रो, अब हमें टनल मिल गई ये वाली, इस पे बात करनी है, ये टनल मिल गई, बात किससे शुरू हुई थी असाइनमेंट से, खत्म कौन करेगा क्रॉस, इसमें क्रॉस ढूंढो, वो ये रहा, ये मुझे क्रॉस क्या देगा कॉलम, सो दिस इज द फोर्थ कॉलम। 3 तक तो बात होगी थी ना, 3 तक तो बात होगी थी ना, इसी टनल में मैं घूमना शुरू किया, मुझे क्रॉस मिल गया, इस क्रॉस ने मुझे क्या दे दिया फोर्थ कॉलम। अब मैं इस टनल में चली गई, कॉलम अभी मेरे को क्रॉस ने दिया ना, अब इस टनल में जाकर क्या ढूंढूंगी असाइनमेंट, वो ये रही, इसको क्या नेमिंग दूंगी फिफ्थ, ये रो है दैट इज फिफ्थ, ये रही, ठीक है। अब इस टनल का रास्ता मिल गया ना, इस टनल में कोई और क्रॉस है ही नहीं, टनल यहीं रुक जाएगी, मेरी बात समझ आ रही है। ध्यान से चीजें समझना, बहुत आराम से चीजें समझना, एकदम कूल माइंड होके। मैंने क्या किया, सबसे पहले वो वाला ढूंढा, क्योंकि इसने देखो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं दिया, तो मैंने सबसे पहले वो ढूंढा कि जिसमें यहाँ पे एक भी असाइनमेंट नहीं थी, उसको 1 नंबरिंग दे दी। फिर उसके बाद इसी असाइनमेंट वाली टनल मिल गई मेरे को, इसमें क्रॉस ढूंढा, चलो इसमें असाइनमेंट नहीं है क्रॉस तो होगा, ये रहा क्रॉस, वो मैंने उसको कॉलम सेकंड कॉलम दे दिया, क्रॉस हमें कॉलम देते। फिर इसी टनल में मैं घूम रही थी, क्रॉस वाला ढूंढा है ना मैंने, क्रॉस वाले में असाइनमेंट ढूंढते हैं, देखो पहले मैंने इसमें टनल क्यों मिली, कॉलम मिला ना क्रॉस से मिला, मैं इस कॉलम में असाइनमेंट ढूंढूंगी, वो ये रही, ये असाइनमेंट मुझे क्या देगी रो देगी। अब इस टनल में मैंने असाइनमेंट से टनल ढूंढी है तो क्रॉस ढूंढूंगी, जो टनल आपको असाइनमेंट से मिलती है उसमें क्रॉस ढूंढो, जो क्रॉस से मिलती है उसमें असाइनमेंट ढूंढो, ये टनल मुझे असाइनमेंट से मिली थी जिसमें असाइनमेंट नहीं है वो ये रही, ये मुझे टनल किससे मिली क्रॉस से, इस टनल में मैं असाइनमेंट ढूंढूंगी ये रही। अब ये टनल किस लिए मिली मुझे, रो किस लिए मिली इस असाइनमेंट से, इसमें क्या ढूंढूंगी क्रॉस ढूंढूंगी, ऐसे हम धीरे धीरे सारा काम करेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार ये क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ये स्टेप मैं आपको दोबारा एक बार और समझाऊंगी कि मैंने ये मार्किंग कैसे की, ये मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलते हैं आगे, बहुत इजी चीजें हैं, टेंशन मत लो, जब भी एक पहली बार इसको समझते हो तो थोड़ी सी कंफ्यूजन रहती है, ये हो क्या रहा है, सबके साथ होता है, आपके साथ नहीं, जब हमने भी पहली बार पढ़ा था ये मार्किंग लगाना एक बार समझने की देर है, फिर आपको गेम की तरह लगेगा, तो टेंशन मत लेना, जितना समझ आ गया वेल एंड गुड, 40% 50% 70% भी सब है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पहले क्वेश्चन मेरे साथ कंप्लीट कर लो, ये माइंड में रख लो, आपको आगे समझ, मैं एंड में एक बार दोबारा समझाऊंगी, जो भी डाउट्स रह गए एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है।
ये मैंने मार्किंग कर दी, अब ध्यान से देखना। मार्किंग के बाद एक रूल है कि जितनी भी आपके पास अनमार्क्ड रो है, क्या है अनमार्क्ड रो, उन पे लाइंस लगा दो, और जितनी भी मार्क्ड कॉलम्स है उन पे लाइन लगा दो। ध्यान से समझना, मैंने सबसे पहले क्या किया, ये मार्किंग की 1 2 3 4 5, जितनी भी अनमार्क्ड रो है उस पे लाइंस लगा दो। अनमार्क्ड रो कितनी है देखो, इस पे कोई मार्क नहीं है, ये लगा दी मैंने लाइन, इस पे मार्क है ये 5, इस पे लाइन नहीं लगानी, इस पे लाइन लगा दो, इस पे कोई भी नंबरिंग नहीं लिख रखी, इस पे 3 लिखा है कोई लाइन नहीं लगाऊंगी, इस पे 1 लिखा है कोई लाइन नहीं लगाऊंगी, जितनी भी अनमार्क्ड रो है उन पे आपने लाइंस लगानी है, ठीक है। आगे क्या है, मार्क्ड कॉलम्स रो लिख दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, मार्क्ड कॉलम्स पे लाइन लगाओ। मार्क्ड कॉलम्स कौन से हैं, देखो ये 4th मार्क्ड है, मैंने इसको मार्क किया हुआ है तो इस पे लाइन लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इसको मार्क नहीं किया और इसको मार्क नहीं, इसको 2nd मार्क किया हुआ है, इस पे लाइन लगा दो। सिंपल सी चीज है, मैंने क्या किया यहाँ पे लाइंस लगा दी, पहले इसकी नंबरिंग करी, नंबरिंग दोबारा समझाऊंगी एक बार और, फिर उसके बाद जो अनमार्क्ड रो थी उनको लाइन लगाई जिसपे कोई नंबरिंग नहीं थी, और मार्क्ड कॉलम पे लाइन लगाई। ऐसे लाइन लगानी है, ये मॉडिफाइड टेबल बनाने का तरीका है, मैं इसमें ऐसे ही करवाना पड़ेगा, मतलब इजी इतना है, लेकिन आपको चीजें अपने अंदर डालने में, उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लग सकता है, बट डिफिकल्ट मत कहना इसको, ठीक है। ये चीजें क्लियर होगी, लाइन ये रूल लिख लो, आप थोड़ा सा पोज लेके ना चीजें लिख लो कि ये वाला आपने क्या किया, अनमार्की लाइंस कैसे लगाई है वो समझिए आपने, ठीक है। ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोट में इसमें क्या करोगे, नोट बस लाइंस वाला नोट कर दो कि लाइंस कैसे लगी हैं, किस पे लगी है लाइंस, अनमार्क्ड रो पे लाइंस लगी हैं और मार्क्ड कॉलम पे लाइन लगी है, बस ये नोट कर लो, ठीक है। यहाँ पे लाइंस के लिए, किसके लिए, लाइंस के लिए रूल। चले आगे, लाइंस लग गई पक्का, इतनी इतना काम क्यों करवा रहे हैं हमसे लाइन पे लाने के लिए, टेबल सही बनाने के लिए, सही कैसे करेंगे, ध्यान समझना। अब आप जितने भी, यहाँ तक लाइंस तक समझ आ गया, ठीक है, थोड़ा पानी पुनी ले लो, थोड़ा सा सांस ले लो और आराम से राहत की, काम ऑलमोस्ट हो चुका है, इसके बाद बहुत ईजी चीज है, थोड़े सांस लो राहत लो, ठीक है। अब आगे समझो ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, ये टेबल क्रॉस वाला बनाने के बाद इसमें ना जो हम सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे उसको एक्स लिखेंगे, जो यहाँ मार्क्ड नहीं है जिस पे कोई लाइन नहीं है उनमें से छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे, इस पे लाइन नहीं है, इस पे लाइन नहीं है, इन पे लाइंस नहीं है, है ना, देखो इन एलिमेंट्स पे लाइन नहीं है, जिन एलिमेंट्स पे लाइन नहीं है, क्रॉस नहीं है, जीरो नहीं है, उनमें से छोटा एलिमेंट ढूंढो। मुझे 2 मिला, आपने उसका नाम एक्स रख देना, बहुत आराम से चीज बता रही हूँ, जितने भी ना जिस पे लाइन है ना जिस पे क्रॉस है उसका नाम आपने एक्स रख देना है, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढ के, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, ये रूल जो बता रही हूँ ना इसके बाद, ये लाइफ में भी यही है, देखो जो चीजें यहाँ पे अब इस छोटे एलिमेंट के साथ एक्स की वैल्यू के साथ हम करने क्या वाले हैं वो समझते हैं, बहुत ईजी है। पानी पुनी लिया कि नहीं, पहले बताओ, पानी वगैरह लिया, क्योंकि अब आपको चीजें थोड़ी सी अपने अंदर डालनी है, चीजें समझनी है, ठीक है। अब देखो इस एक्स की वैल्यू को क्या करने वाले हैं, हम एक नया टेबल बनाने वाले हैं जिसको कहेंगे मॉडिफाइड टेबल, जिसको क्या कहेंगे, मॉडिफाइड टेबल। बहुत ध्यान से चीजें समझना, यही मैं टेबल आपके सामने बनाऊंगी, बहुत ध्यान से चीजें समझना। आपने एक्स की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली, 2 निकाली, ठीक है। मॉडिफाइड टेबल बनाएंगे अभी हम, ए बी सी डी, साथ साथ लिखना नहीं है, प्लीज चीजें पहले समझ लो, कहाँ जा रही है ये क्लास और कहाँ जा रहा है ये बोर्ड, यहीं पर सब चीजें लिखी मिलेंगी आपको, पहले समझ लो। मैं नया मॉडिफाइड टेबल बनाऊंगी, ए बी सी डी 1 2 3 4 5, मैंने नोट कर लिया, क्योंकि टेबल ने ऑप्टिमल दिया नहीं ना, कुछ चेंज लाना पड़ेगा, क्या लाएंगे, देखो एक्स की वैल्यू मिल गई कितनी, 2। अब जो, अब हर एक एलिमेंट की एक स्टोरी सुनाती हूँ मैं आपको, देखो जो एलिमेंट पहले से ही लाइन पे है, क्या है, पहले से ही लाइन पे है, मतलब उसके ऊपर देखो 8 के ऊपर लाइन है, 0 के ऊपर लाइन है, उनको कुछ नहीं कहना, जो बंदा पहले से ही लाइन पे है, जो बच्चा पहले से ही लाइन पे है, ठीक से काम कर रहा है, लाइफ में ठीक चीजें कर रहा है, उसको कुछ नहीं कहना, वो एज इट इज लिख देंगे। आगे जो लाइन पे नहीं है, जो काम करके राजी नहीं है कुछ, जो यहाँ पे नंबर लाइन पे है ही नहीं, उसमें से माइनस कर देंगे एक्स की वैल्यू, ध्यान से समझना। लाइन पे कौन नहीं है, देखो यहाँ पे जैसे 6 लाइन पे नहीं है, कहाँ है, कुछ भी नहीं है, ना इस पे लाइन आ रही है ना कुछ आ रहा है, 15 पे ना लाइन आ रही है ना कुछ आ रहा है, तो जो लाइन पे नहीं है उसमें से x माइनस कर देंगे x की वैल्यू, जो लाइन पे है उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, अभी करके दिखाऊंगी, टेंशन ना लो। और बेचारे जो 2 लाइंस हैं जिसके ऊपर, 3 तरह के लोग हैं ना, देखो इस 10 पे 2 लाइनों का वजन आ रहा है, 2 लाइनें संभाल रहा है, ये वाली भी ये वाली भी, तो इनको हम प्लस x दे देंगे,
क्या दे देंगे प्लस सिक्स. बताओ यहाँ पे कोई दिक्कत है? बहुत ध्यान समझना, मैं आपको रियल लाइफ से इसीलिए साथ जोड़ के बता रही हूँ, चीजें ज्वाइन करके बता रही हूँ कि आपको चीजें समझ आए. देखो जो लाइन पे है कुछ नहीं कहना उनको, कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज नोट कर देंगे. जो लाइन पे नहीं है उनको लाइन पे लाना पड़ेगा ना, जो लाइन पे होता है उसको लाइन पे लाना पड़ता है. कैसे लाएंगे? उसमें से x माइनस करेंगे, माइनस का मतलब उसके साथ थोड़ा सा गुस्सा होना पड़ेगा, x की वैल्यू उसमें से माइनस करेंगे. और एक लोग है जिनके ऊपर चेहरे के ऊपर दो लाइन का भार है, ऐसे भी लाइन आ रही है ऐसे भी लाइन आ रही है, उसको थोड़ा सा सहलाया जाएगा, उसको x प्लस करके दिया जाएगा. अब टेबल बनाते हैं, ध्यान से मिलना. पहला एलिमेंट है 5, इसके ऊपर दो लाइनों का वजन है, इसमें कुछ ऐड होगा 7. ऐड क्या होगा? x की वैल्यू जो निकाली थी दैट इज 7. समझ आ रही है चीज? पक्का? देख लो x की वैल्यू कैसे निकलती है, वो मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी. ठीक है, अब अगला देखो. नेक्स्ट एलिमेंट है 0, लाइन पे है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 को एज इट इज नोट कर दो. नेक्स्ट एलिमेंट है 8, लाइन पे है, सिंगल लाइन इसके ऊपर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट एलिमेंट है 10, इस पे दो लाइनों का बोझ है, बेचारा दबा हुआ है, कुछ सहलाया जाएगा, 12 बना दिया जाएगा. यहाँ पे क्या है? सिंगल एलिमेंट है, लाइन पर है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नोट कर दिया एज इट इज. नेक्स्ट रो पे आ जाओ, ये एलिमेंट है, लाइन पे है, सिंगल लाइन है, देखो इस पे दो लाइन नहीं आ रही ना, एक सिंगल लाइन ही आ रही है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं. नेक्स्ट एलिमेंट 6, लाइन पे नहीं है, लाइन पे लाती हूँ जी, दो माइनस कर दो उसमें से. 15 है, लाइन पे नहीं है, लाइन पे लाया जाएगा. 10 है, लाइन पर है ये बंदा, तो एज इट इज रहने दो. 3 लाइन पर नहीं है, माइनस कर दो उसमें से. ये बहुत ईजी मेथड है और रियल लाइफ से लिंक करते चलो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली. नेक्स्ट देखो, 8 पे दो लाइनों का वजन है, क्या कर दो. नेक्स्ट 5 लाइन पर है, 0 लाइन पर है, बहुत सिंपल चीजें. चले नेक्स्ट आ जाओ डी पे, 0 लाइन पर है, हाँ जी 4 लाइन पर ही नहीं है ना, लाइन है ना कुछ है, 2 माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे, ये लाइन पर है कुछ नहीं कहेंगे, ये लाइन पर नहीं है 2 माइनस करेंगे. नेक्स्ट 3 लाइन पर है, दैट विल भी कितना हो जाएगा, कुछ नहीं कहेंगे. आपको बस माइंड में चीजें रखनी है, रियल लाइफ की तरह चीजें याद रखो. 5 लाइन पे नहीं है, ले आते हैं माइनस कर दो, लाइन पे नहीं है माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 4. ये बेचारा लाइन पे है, ये 0, देखो एक लाइन पे है 0, तो 8 लाइन पे नहीं है, ले आओ 6, ये बन गया मॉडिफाइड टेबल. ये रूल लिख लो, और ये चीजें टफ नहीं है, बस माइंड में बिठाने की. इतने इजी क्वेश्चंस है, लेकिन पहले चीजें माइंड में डालनी पड़ती है, थोड़ा टाइम लगता है. ठीक है, ये हमारा बन गया मॉडिफाइड टेबल. सो मॉडिफाइड टेबल आपका ये रहा, ये लाइंस वाला ही है जो मैंने अभी ये लाइंस वाला बनाया ना, वो टेबल भी मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया होगा, कोई जरूरत नहीं है. ये आपका मॉडिफाइड टेबल है, इसमें कोई दिक्कत बताओ, कोई प्रॉब्लम है तो. ये सारी चीजें समझ आई कैसे से? 11 1 0 3 6 यही वाला टेबल है, देखो 11 1 0 3 6 सेम टेबल यही वाला बना हुआ है, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली. दिस इज योर मॉडिफाइड टेबल, मतलब ये हमारा सुधर के टेबल आया है. अब इसमें हमें वही सारे स्टेप्स करने हैं. कौन से सारे स्टेप्स करने हैं? स्टेप नंबर 2 से, दैट इज असाइनमेंट दोबारा करके देखनी है. एक बार आपके पास मॉडिफाइड टेबल आ जाए, रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन दोबारा नहीं करते, उस पर दोबारा असाइनमेंट करके देखते हैं क्या अब असाइनमेंट मेरी ऑप्टिमल होगी, क्या अगर जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतनी असाइनमेंट आएंगी. ये अब हमें देखना होता है, असाइनमेंट्स दोबारा अब हम करेंगे. कैसे करेंगे? मॉडिफाइड टेबल में रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन दोबारा नहीं होता है, उस पे सिर्फ असाइनमेंट्स दोबारा होती है. असाइनमेंट का मतलब क्या हो गया? दैट इज रो स्कैनिंग एंड कॉलम स्कैनिंग. आप स्टेप नंबर 2 दोबारा यहां से शुरू करते हो असाइनमेंट वाला, अगर मॉडिफाइड करते हो उसके बाद रो कॉलम रिडक्शन नहीं करते. रो स्कैनिंग करेंगे और क्या करेंगे? कॉलम स्कैनिंग कर देते हैं, स्कैनिंग करके देखते हैं कि हमने ठीक बनाया है. अब रो स्कैनिंग में देखते हैं, एक रो वाला रो ढूंढो, फर्स्ट रो में एक ही रो है, ठीक है, उसके कॉलम में जितनी रो है उसको कैंसिल कर दो, है ही नहीं. सेकेंड रो में देखो, एक रो है, हाँ जी है, उसके कॉलम में कोई और जीरो है तो माइनस कर दो, मतलब उस पर क्रॉस लगा दो, लगा दिया. थर्ड रो स्कैन करो, कितनी रो है? 2, हमारे काम की नहीं. फोर्थ रो में कितनी है? 2, हमारे काम की नहीं. फिफ्थ में कितनी है? सिंगल, हमारे काम की है. इसके अगर रो में आपने असाइनमेंट दिया तो कॉलम की 0 आप क्रॉस करोगे. रो स्कैनिंग करते हो, सिंगल रो वाला ढूंढो रो, और उसका कॉलम में जितनी 0 है जिसपे आपने बॉक्स बनाया है उसके कॉलम में जितनी 0 है उसको क्रॉस कर दो रो स्कैनिंग के अंदर.
अब हम करेंगे कॉलम स्कैनिंग। ऐसा कॉलम ढूंढेंगे जिसमें सिंगल जीरो, फर्स्ट कॉलम में तो जीरोस पे पहले ही काम हो चुका है, सेकंड कॉलम में भी एक जीरो थी उस पे काम हो चुका है, बाकी जीरो कोई है नहीं। थर्ड कॉलम में कितनी है, दो जीरो, मैं काम नहीं कर सकती, सिंगल जीरो वाला कॉलम चाहिए। फोर्थ में दोनों पे काम हो चुका है, कोई बची नहीं। फिफ्थ में एक सिंगल कॉलम जीरो बची है, उसको मैं उठा लेती हूँ। अगर इस कॉलम के अकॉर्डिंग ये मैंने असाइन किया है तो उसकी रो में बाकी जीरो को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर कॉलम ने असाइन किया है तो रो की जीरो को कैंसिल करना पड़ेगा, वो मैंने कर दिया। क्या सारी जीरोस को या कुछ ना कुछ मिल चुका है? नहीं, ये जीरो बची है जिसे कुछ नहीं मिला। तो रो स्कैनिंग भी हो चुकी है, कॉलम स्कैनिंग भी हो चुकी है, फिर दोबारा से एक राउंड रो स्कैनिंग का लगाएंगे। तब तक लगाते रहेंगे जब तक सारी जीरोस को कुछ ना कुछ ना मिल जाए। यहाँ पे तो बात है नहीं कोई ऐसी करने वाली, जीरो की बात हो चुकी है, यहाँ पे भी जीरो की बात हो चुकी है, यहाँ पे भी जीरो को सब मिल चुका है। फोर्थ रो के अंदर सिंगल जीरो ही है, हमें ऐसी रो को साइन करना होता है जहाँ सिंगल जीरो, ये दो जीरोस तो कैंसिल हो चुकी है, तो ये सिंगल जीरो वाला ही बना ना। अब इसमें हम लगा देंगे बॉक्स, इसके कॉलम में कोई जीरो बचे तो उसे क्रॉस कर दो, नहीं बची तो सारी जीरोस को कुछ ना कुछ मिल चुका है। तो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स कितनी है यहाँ पे, 5 है, और नंबर ऑफ रोज भी कितनी है मेरे पास, 5 है। दोनों क्या है, इक्वल है, इट मींस ये क्या है, ऑप्टिमल असाइनमेंट्स है, देयरफॉर इट इज ऑप्टिमल असाइनमेंट्स। अब बस आप इसके बाद सीधा सॉल्यूशन निकाल सकते हो, दोबारा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, दीज आर ऑप्टिमल असाइनमेंट्स। क्लियर है चीज? अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, अब यहाँ पे तो काम हो गया, अब हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ये असाइनमेंट वाला टेबल है, अब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या निकलेगा, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, ए का क्या है, ए के सामने क्या है, 2 है, बी के सामने क्या है, 1 है, सी के सामने क्या है, 5 है। मैं ये देख रही हूँ कि ए के सामने किसको जीरो साइन हुए, 2 को, बी को सामने फर्स्ट को साइन हुए, सी के सामने फिफ्थ को असाइन हुई है, डी के सामने 3 को असाइन हुई है, और ई के सामने किसको साइन हुई है, 4 को असाइन हुई है। दिस इज द टेबल, देखो यही हमने टेबल बनाया। क्लियर है चीज? अब इसके साथ देखो, पहले यहाँ वर्क लिखते हैं या जॉब लिखते हैं, यहाँ क्या लिखते हैं, कॉस्ट, ए को 2 असाइन हुआ है, ये वही टेबल है क्वेश्चन वाला, तो यहाँ पे क्या है उसके आगे, 5, मैंने 5 लिख दिया। बी को कौन असाइन हुआ है, 1 असाइन हुआ है, बी ये रहा, बी के को 1 असाइन हुआ, बी के सामने 1 का देखो कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। सी को कौन असाइन हुआ, 5, तो सी के सामने 5 ये रहा, इसको कितनी वैल्यू दी हुई है, 2, तो मैंने यहाँ 2 लिख दी। डी के सामने कितना है, 3, वो ये 9 है, वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पे 9। ई के सामने 4, वैल्यू कितनी है, 4, टोटल कितना आ गया, 23। क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। क्लियर है चीज? अब इसके बाद मैं आपको वो जो मैंने लाइनिंग्स लगाई हैं मैं दोबारा समझा रही हूँ, अब वो चीज़ें आप ध्यान से समझना कि मैंने मार्किंग कैसे की थी। अगर समझ आ गया तो भी, नहीं समझ आया तो भी, समझ आ गया तो रिवीजन ले लो कि आपने जो समझा वो ठीक है, बस एक बार समझ लो चीज़ें। ये मेरा बन गया था, इससे ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया था क्योंकि ये 4 थे और मेरी रोज 5 थी, तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया था। जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आता तो हम मॉडिफाइड टेबल बनाते। मॉडिफाइड टेबल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले लाइंस लगानी पड़ती है, लाइन से पहले ऐसे टिक मार्क करना पड़ता है, वो लाइंस, वो टिक मार्क, वो चीज़ें समझो। पहले मैं टिक मार्क करती हूँ, सबसे पहले वो रो ढूंढो, ध्यान समझना, मैं लिखती भी जा रही हूँ साथ साथ, रो विद नो असाइनमेंट। पहले क्या ढूंढेंगे, रो विद नो असाइनमेंट ढूंढ लेती हूँ, कौन सी है वो, ये वाली रो है जिसपे कोई असाइनमेंट नहीं है, इसको 1 टिक मार्क कर दो, फर्स्ट है। अब इस टनल में मैं जा चुकी हूँ क्योंकि मैंने ये रो ढूंढी है, इस टनल में मैं घूम रही हूँ, कि जो रो वाली टनल है ना उसमें हमेशा क्रॉस ढूंढते हैं, जो रो वाली टनल है उसमें क्या ढूंढते हैं, क्रॉस। ये रो वाली टनल है, इसमें क्रॉस ढूंढेंगे, ये रहा, तो ये क्रॉस हमें इस टनल में ले जाएगा, दिस इज सेकेंड। समझ आया? पहले रो विद नो असाइनमेंट से शुरू होते हैं, उसमें जो क्रॉस होता है हमें टनल देता है, वो टनल ये वाली है, कॉलम वाली, जो क्रॉस है वो हमेशा हमें कॉलम वाली टनल देगा, ठीक है। आप कॉलम में हम आ गए, ठीक है, कॉलम किसने दिया,
क्रॉस ने, तो अब क्रॉस तो ढूंढेंगे ना, जिसने भी टनल दी उसको नहीं ढूंढते, दूसरे को ढूंढते हैं। इसमें असाइनमेंट ढूंढेंगे, असाइनमेंट ये है, असाइनमेंट हमेशा रो देती है, चाहे हमने नो असाइनमेंट ढूंढा, जब असाइनमेंट का वर्ड आ जाता है ना वो रो देती है। तो मैंने यहाँ पे असाइनमेंट ढूंढी, ये मुझे ये वाली टनल देगी, इसको मैंने नेमिंग क्या दे दी, दैट इज थर्ड। ये टनल्स मैं समझा रही हूँ आपको एक चीजें दिखाने के लिए, इमेजिन कराने के लिए। आपने ये लाइन्स नहीं लगानी, आपने ये लाइन्स नहीं लगानी, लाइन्स उसी के अकॉर्डिंग लगेगी जो मैंने समझाया था, ये बस टनल्स दिखा रही हूँ मैं काम कैसे कर रही हूँ। ठीक है, लो जी ये थर्ड वाली पे आ गई। अब टनल किसने दी है, असाइनमेंट ने, जो टनल देता है उसको नहीं दूसरे को ढूंढते हैं, हम क्रॉस को ढूंढेंगे। ये रहा क्रॉस, क्रॉस हमेशा कॉलम देता है, उसने मुझे ये वाली टनल दी, क्रॉस ने क्या दी, ये वाली टनल, ये फोर्थ टनल क्रॉस ने दी है। अगर क्रॉस ने टनल दी है, ढूंढूंगी असाइनमेंट को, असाइनमेंट ये रही, ये मुझे ये वाली टनल देगा, दैट इज फिफ्थ। ये टनल असाइनमेंट ने दी है ना, मैं क्रॉस ढूंढूंगी, इसमें क्रॉस है नहीं तो यही स्टेप रुक जाएंगे। और आपने ये जितनी टनल्स हैं इसको रब कर देना है, एक बार मार्किंग आ गई तो ठीक है। टनल्स मिलने के बाद फिर हम लाइंस लगाते हैं, किसको, जो हमारी अनमार्क्ड रोज है, ध्यान से समझना, जो मेरी क्या है, अनमार्क्ड रोज, जिनको मैंने मार्क नहीं किया। वो कौन सी रो है, देखो इसको मैंने मार्क नहीं किया, इसको 5 मार्क किया हुआ है, इसको नहीं मैंने लाइन लगानी, इसको मार्क नहीं किया हुआ लाइन लगा दी, इसको 3 मार्क किया हुआ है, इसको मार्क नहीं लगानी, अनमार्क्ड को लगानी है, इन पे कोई नंबरिंग नहीं थी तो लगा दी। और मार्क्ड कॉलम्स पे लाइन लगानी है, किस पे लगानी है, मार्क्ड कॉलम्स पे। मार्क्ड कॉलम कौन से हैं, फोर्थ, देखो मार्क किया और मैंने इसको 4, इसको कोई मार्क नहीं किया, इसको इसको किया हुआ है 2, ये मेरी बन गई लाइंस। इसके बाद वही स्टेप, आपकी जिनके ऊपर लाइन नहीं है, छोटा एलिमेंट ढूंढना है, वो एक्स मेरा 2 था, ठीक है। फिर उसके बाद आप नया टेबल बनाओगे, जो लाइन पर है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, जो लाइन पे पहले ही है, जैसे ये डबल लाइन वाले नहीं, जिस लाइन पे जैसे 0 हो गया, 10 हो गया, सिंगल लाइन पे है जो, कोई चेंज नहीं आएगा। जो आपके पास इंटरसेक्शन पे है, इंटरसेक्शन का मतलब जिनके ऊपर 2 लाइन्स आ रही है, जिनके ऊपर क्या आ रही है, 2 लाइन्स, उसमें एक्स को प्लस कर देते हैं, जैसे ये 0 आ रहा है तो इसमें प्लस होगा, इसमें 10 आ रहा है इसमें प्लस होगा, ऐसे आप करोगे। और जिसमें आपके पास जैसे लाइन इंटरसेक्शन, और जो आपके पास लाइन पर है ही नहीं, जो लाइन पर नहीं है ना उनकी पिटाई करनी है, उसमें से x की वैल्यू माइनस करके, ये 6 लाइन पे नहीं है भाई क्यों नहीं है, माइनस 2 करो, ये 15 लाइन पे नहीं है क्यों नहीं है, माइनस करो, ऐसे करके आपके पास मॉडिफाइड टेबल आ गया था। फिर हम फिर से असाइनमेंट करके चेक करते हैं चीजें। आई होप अब आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, बहुत अच्छी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। आई होप आपको अच्छी चीजें समझ आई हैं, बहुत अच्छी चीजें क्लियर हो रही हैं। असाइनमेंट प्रॉब्लम की अगर ये क्लास आपने माइंड लगा के अच्छी चीजें समझ ली, तो बाकी सारी क्लासेस में लिटरली आपको बहुत अच्छे समझ आने वाला है, क्योंकि उसमें भी यही स्टेप्स हम कर रहे होंगे। फिर भी कोई डाउट बचता है, डोंट वरी, आने वाली क्लासेस में मैं ये स्टेप्स कह रही हूँ आएंगे ही, आपके डाउट्स और क्लियर होते जाएंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल विच इज ड्रीम मैथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।